मज़ेदार आलू बैंगन पालक सोया मेथी मटर की सब्जी। अगर एक बार ऐसे बनाकर खा लिया तो ये सब्जी आपके रेगुलर मेन्यू में शामिल हो जाएगी। लंच डिनर या ऑफिस के टिफिन सभी में बेस्ट जाती है ये सब्जी। पूरी पराठा रोटी चावल सभी में बेस्ट जाती है ये सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनीता किचन व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आज हम करने जा रहे हैं फिर से एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आलू बैंगन पालक मेथी मटर सोवा की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा आधा किलो के दो बैंगन लिए हैं, यानी 1 किलो बैंगन है, आधा किलो का पालक का एक गड्डी है, 1 पाव का सोए की गड्डी है और 125 ग्राम हम यहाँ पर मेथी को तोड़ कर ले लिए हैं, 6 ठो यहाँ पर आलू है और छील कर आधा कटोरी हम मटर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसे काट कर धो कर तैयार करेंगे, उसके बाद तड़का करेंगे। तड़के में हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च। यहाँ पर हरी मिर्च 10 है जिसे हम काट के ले लिए हैं, अदरक आधा इंच का है जिसको भी हम काटे हैं। लहसुन के लिए ये है कि आप 4 लहसुन से भी तड़का कर सकते हो और 14 से भी, मगर इस सब्जी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि मतलब थोड़ा ज़्यादा लहसुन छोड़ने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि इस सब्जी में आप लहसुन अपने श्रद्धा के हिसाब से यूज़ करें। तेल हमारा गरम हो चुका है, यहाँ पर हम आधा चम्मच मेथी के दाने से तड़का कर रहे हैं। बैंगन की सब्जी में मेथी का दाना बहुत अच्छे से जाता है तो मेथी ही यूज़ करें आप। ये हींग है, बैंगन बादी होता है तो हम हींग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सभी सब्जी का तड़का हम ज़्यादातर जीरा से करते हैं लेकिन बैंगन की सब्जी का तड़का मेथी के दाने से होता है और वो भी मेथी को हम अच्छी तरीके से पकाए, नहीं कच्चा मेथी। जब मेथी लाल लाल हो जाए उसके बाद हम सब्जी छोड़ते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मेथी की महक बता रही है कि मेथी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हम अब यहीं पर डालेंगे। आलू बैंगन और मटर को धोकर काटकर हम तैयार करके परात में रखे हैं। हमारा लहसुन मिर्चा जब पिंक पिंक सा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे। लहसुन मिर्चा अदरक हमारा लाल हो गया है, अब हम आलू बैंगन और मटर का तड़का यहाँ पर करेंगे और सीधा ढाँक देंगे। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर हाई फ्लेम में सब्जी को ढाँक कर पकाएं। 1.5 मिनट 2 मिनट आप नहीं छुएंगे आपकी सब्जी जलने वाला नहीं है क्योंकि बैंगन पानी छोड़ेगा, तो हाई फ्लेम पर यहाँ पर ढाँक कर छोड़ दें। 2 मिनट बाद हम सब्जी को फिर से खोलेंगे और अच्छे से चलाएंगे, लेकिन नमक नहीं डालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जब तक सब्जी हमारा आलू बैंगन भूंजे ना तब तक नमक नहीं डालना है। सब्जी को हम फिर से ढकेंगे और तेज़ आंच में ही हम फिर से छोड़ देंगे क्योंकि बैंगन है, अभी बैंगन पानी छोड़ेगा। ये हम सेकेंड टाइम ढक रहे हैं और फिर इसको छोड़ेंगे 2-3 मिनट के लिए। ये तीसरी बार है और सब्जी को हम खोल के देख रहे हैं। सब्जी हमारा हाई फ्लेम पर यहाँ पर भी है, थोड़े थोड़े भूनने वाला प्रोसेस चल रहा है। पानी लेकिन अभी भी निकल रहा है तो सब्जी को हम फिर से ढांकेंगे और फिर से छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पर विश्वास मानिए आपकी सब्जी जलने वाली नहीं है तो हाई फ्लेम पर छोड़िए आप। तीसरी बार यहाँ पर हम सब्जी को खोल कर देख रहे हैं, अभी भी पानी पानी दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा तेल सेपरेट हुआ है लेकिन अभी ये भूंजेगा। और अभी हम सब्जी में नमक नहीं डाले हैं तो फिर हम इसको ढकेंगे और हाई फ्लेम पर ही है सब्जी हमारा, देखिए जल नहीं रहा है ये। फिर से हम इसको ढक देंगे और फिर से 4 मिनट बाद देखेंगे। ढकने के बाद हम फिर से खोल के देखें 2-3 मिनट बाद, देखिए हमारी सब्जी का पानी पूरा सूख चुका है, तेल तेल दिखने लगा है। अब इस स्टेज पर हम टमाटर डालेंगे। हम बड़े बड़े 4 टमाटर यूज़ किए हैं क्योंकि 1 किलो बैंगन भी था, आधा किलो पालक भी था, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा के यूज़ कीजिए। ये 4 टमाटर है, इसको मेरा आदत है कि मैं एक साइड में ही डालती हूँ। अब नमक टमाटर डाल दिए हैं तो यहीं पर हम सब्जी के अंदाजा के हिसाब से थोड़ा नमक टमाटर के ऊपर थोड़ा नमक सब्जी के ऊपर डालेंगे। और मेरा आदत है कि सब्जी को मैं एक साइड में डाल टमाटर को एक साइड में डालती हूँ और पूरे सब्जी से ढाँक देती हूँ,
तो बस मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पर सब्जी में टमाटर नमक सब हम छोड़ चुके हैं, टमाटर को ढाँक भी चुके हैं। अब जो 3 लीफी वेज हम काट के रखे थे, धो के रखे थे, उसको बैगन आलू मटर के ऊपर फैला फैला के डालेंगे अच्छी तरीके से, और यहीं पर हम इसको ढाँक भी देंगे। हम सब्जी के ऊपर साग को अच्छी तरीके से फैला दिए हैं और ऊपर से ढाँक देंगे। अब ढाँकने के बाद हम इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम में छोड़ेंगे, क्योंकि लीफी वेज है जो पानी छोड़ेगा तो जलने का कोई सवाल नहीं है। तो 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ढक्कन खोलते हैं, सब्जी का हाल चाल देखते हैं क्या है। एकदम सही है और बहुत ढेर सारा पालक पानी छोड़ा हुआ है। सारी सब्जी को, टमाटर को हम जब डाले थे तब मिलाए नहीं थे, अब यहीं पर सब चीज़ को हम अच्छे से मिलाएंगे। सब्जी हमारा हाई फ्लेम में है और खूब पानी छोड़ा हुआ है क्योंकि हम साग भी डाले थे। तो बस अब हाई फ्लेम में सब्जी को भूनना है, मतलब पानी के सूखते तक। यहाँ पर सब्जी बहुत पानी छोड़ा हुआ है, हम फुल हाई फ्लेम पे रखे हुए हैं और सब्जी को भून रहे हैं। सब कुछ डल चुका है, अब बस मतलब पानी को सुखाना बाकी है। अच्छे से हम यहाँ पर भूजेंगे। सब्जी बहुत ज़्यादा चटपटी बनी है, बहुत टेस्टी बनी हुई है। सब्जी को मैस मैस कर करके चलाना है। अब ये सब्जी पूड़ी के साथ बहुत अच्छी जाती है, चावल के साथ भी बहुत अच्छी जाती है, लेकिन पूड़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। मैं चाहूँगी कि एक बार आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए। एक बार आप अपने घर में इसे बनाएंगे तो ये आपकी रेगुलर रूटीन में एकदम शामिल हो जाएगी। इजी, सिंपल और बहुत टेस्टी सब्जी। ये हाई फ्लेम पर अभी भी भूज रही है। हाई फ्लेम पर भूजते 7 मिनट हो गया है, हम तेज आंच में भूंज रहे हैं और सब्जी हमारी डन हो गई है। हम इस सब्जी को पूड़ी के साथ इंजॉय करेंगे। मैं तो बोल ही चुकी हूँ कि ये सब्जी का कॉम्बिनेशन पूड़ी के साथ बेस्ट जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।